हम लोगों के यहाँ जब टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप विश्वास करोगे कि कोई व्यक्ति 0 से भी कम टेम्परेचर में इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है? Sixth schedule provides autonomous councils of elected representatives, small parliaments of indigenous tribal people. आप में से आधा से ज्यादा लोगों की तो उस टेम्परेचर में घर से बाहर कदम रखने में ही कुल्फी जम जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति सोनम वांगचुक इतने दिनों तक अनशन पे बैठा रहा क्योंकि इन्हें वो नहीं मिला जो इन्हें वादा किया गया था। सोनम वांगचुक ने हमारे देश की हर तरीके से मदद की, हमारे इंडियन आर्मी की हर तरीके से मदद की और बॉयकॉट चाइना मूवमेंट से चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पर आज कुछ लोग सोनम वांगचुक को चाइना का दलाल, चाइना का एजेंट कहकर बुला रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सोनम वांगचुक ने रूलिंग गवर्नमेंट से अपना हक मांगा जो कि उन्हें वादा किया गया था। सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट को जिसने भी देखा उसने सपोर्ट किया क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको अभी तक डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि ये मामला जितना सीधा साधा है उतना ही कम रिसर्च भी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पे चाइना हमारे इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर आप जो सोच रहे हो उसके लिए नहीं, और यही इस पूरे मामले का ट्विस्ट है। चाइना को हमारे ग्लेशियर्स का साफ पानी चाहिए ताकि वो इस पानी का इस्तेमाल कर सके माइक्रोचिप के फैब्रिकेशन के लिए, जिसका के इस्तेमाल वो आने वाले समय में सुपर पावर बनने के लिए कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन वॉर टेक्नोलॉजी के बलबूते पे होगा और उसके लिए चाहिए माइक्रोचिप्स। पर चाइना के सुपर पावर बनने का संबंध आखिर इस लद्दाख के प्रोटेस्ट से कैसे है, इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। 1995 में इस्माइल सिराज जल्दीन ने कहा था कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो वो होगा फ्रेश वाटर के लिए, और कहीं ना कहीं ये चीज सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे ये हो रहा है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान लद्दाख के लिए एक सेपरेट मैनिफेस्टो रिलीज किया था और उस मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया था कि वो लद्दाख को 6th स्केड्यूल में ऐड करेंगे, लद्दाख को स्टेटहुड दिलवाएंगे और साथ ही साथ जो लद्दाख का एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए थे जब बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया था, और लद्दाख के लोगों को ये भरोसा था कि जो जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने मेंशन किया हुआ था वो उसको भी फुलफिल करेंगे। बट जैसे जैसे 5 साल बीतते गए वैसे वैसे उनका जो भरोसा था वो डगमगाता गया। फिर सोनम वांगचो जिन्होंने कि आर्टिकल 370 को हटाने का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में चीजें मेंशन किया था उनको वो फुलफिल करना चाहिए। इस रिगार्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट से बातचीत भी होती है लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। अब क्योंकि लद्दाख में टूरिज्म बढ़ने लगा, होटल्स बनने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगा था, तो सोनम वांगचुक और वहां के लोगों को ये डर होने लगा था कि इन सभी कंस्ट्रक्शंस के कारण कहीं लद्दाख का जो एनवायरमेंट है वो ना खराब हो जाए, कहीं लद्दाख में लैंडस्लाइड ना होने लगे। तो अपने लैंड और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट शुरू किया और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया क्योंकि लोग इसमें जुड़ते चले गए। जैसे जैसे 2024 लोकसभा इलेक्शंस नजदीक आने लगा वैसे वैसे इस प्रोटेस्ट का जो इंटेंसिटी था वो भी बढ़ता चला गया। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे योगदान दिए हैं, इन्होंने हमारे इंडियन आर्मी की हर एक तरीके से हेल्प की है, बॉयकॉट चाइना मूवमेंट के साथ इन्होंने चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त के रूप में हमेशा से खड़े रहे हैं, और सोनम वांगचुक की तरह ही सोनम वांगचुक के जो लोग हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने हमेशा से हमारे देश की हर तरीके से हेल्प की है। हमारे इंडियन आर्मी की लद्दाख के लोग हर पॉसिबल वे में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी कंट्री सेफगार्ड हो सके, और इसलिए सोनम वांगचुक का ये जो प्रोटेस्ट है वो एकदम जायज है और उनके जो डिमांड्स हैं वो भी जायज है। सोनम वांगचुक ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के लिए, लेकिन फिर भी आज कुछ लोग इनको एंटी नेशनल बोल रहे हैं, कोई इनको चाइना का एजेंट बोल रहा है, जो कि बहुत बुरी बात है। इस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन मातृभूमि को दिया है, हमारे देश को दिया है, और वो लोग जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं उनको ऐसे कमेंट्स करने से पहले इनके अचीवमेंट्स को देखना चाहिए। अब बीजेपी जो इनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही है इसके ऊपर भी हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन यहाँ से एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जिसको कि अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा है और वो सिलेक्टिव फैक्ट्स उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है अपना एजेंडा फैलाने के लिए, क्योंकि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके हाफ इन्फॉर्मेशन से हमारे देश के अंदर कितना मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा। इनका बस चले तो ये हमारे देश को डेवलप ही ना होने दे। इन्होंने पास्ट में ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि हमारे देश को और एक्सप्रेसवेज की क्या जरूरत है, हमारे देश को स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर पैसे बर्बाद करने की
की क्या जरूरत है, क्योंकि इनका देश तो ढंग से चल ही रहा है और हमारे देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको पैसे मिल जाते हैं। सोनम वांगचुक जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पे चाइना बॉर्डर के दूसरी साइड में तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, चाइना तो अक्सर ऐसा करता है यार, अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके साथ तो चाइना यही करता है। बट यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि चाइना हमारे कंट्री के टेरिटरी में सिर्फ जमीन के लिए नहीं घुसता है, चाइना हमारे कंट्री के टेरिटरी में घुसता है पानी के लिए। चाइना हमारे फ्रेश वाटर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, वो फ्रेश वाटर जो कि ग्लेशियर के रूप में हिमालय और उनके रीजन्स में है, वो फ्रेश वाटर जो कि ग्लेशियर के रूप में लद्दाख में अवेलेबल है, क्योंकि चाइना इस फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करना चाहता है माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए, वही माइक्रोचिप जो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोबाइल में भी यूज हो रहा है, वही माइक्रोचिप जो कि आपके लैपटॉप में है, वही माइक्रोचिप जो कि हर एक कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर चिप मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेश वाटर का क्या काम, वहाँ पे तो सिलिका का काम होता है, सिलिकॉन का यूज होता है। दरअसल जब भी कोई माइक्रोचिप बनाया जाता है तो इस माइक्रोचिप का जो बेस होता है इस बेस को वेफर कहा जाता है, और इस वेफर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सैंड को पिघलाया जाता है, सैंड को पिघलाकर एक बड़ा सा सॉलिड बनाया जाता है और फिर उस सॉलिड को पतले पतले शीट में काटा जाता है जिसके बाद की वेफर तैयार होता है। और ये जो वेफर होता है इसी को क्लीन करने के लिए, इसी की साफ सफाई के लिए ताकि इस पे कोई इम्प्योरिटीज ना आ रहे हैं, अल्ट्रा प्योर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वरना ये जो माइक्रोचिप है इसका जो बेस है इस पे अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज रहे तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, खराब हो सकता है, जिसके कारण कि ये जो पूरा माइक्रोचिप है वो खराब हो सकता है। और हम इस वेफर को नॉर्मल पानी से नहीं धो सकते हैं क्योंकि नॉर्मल पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और अगर वो इस वेफर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये जो अल्ट्रा प्योर वाटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेफर को क्लीन करने के लिए, इस अल्ट्रा प्योर वाटर को बनाने के लिए पहले तो नॉर्मल वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसे अल्ट्रा प्योरीफाई किया जाता है। और पानी को अल्ट्रा प्योरीफाई करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब चाइना के जो मैक्सिमम रिवर्स है वो ऑलमोस्ट पॉल्यूट हो चुके हैं, उनका जो पानी है वो बहुत गंदा हो चुका है, और इसलिए चाइना इन रिवर से पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है माइक्रोचिप के फैब्रिकेशन में। अब दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए चाइना को ये जरूरी है कि वो माइक्रोचिप का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में करे। इसके लिए चाइना ने 2014 में नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट प्लान लॉन्च किया था जिसमें उसने $150 बिलियन खर्च किए ताकि वो माइक्रोचिप्स को अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि फिलहाल चाइना दूसरे कंट्रीज से माइक्रोचिप्स को इंपोर्ट करता है जिसके कारण कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, और इसलिए चाइना ने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन इसका ये जो प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट फेल हो गया। जिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ताइवान, साउथ कोरिया और जापान माइक्रोचिप्स फैब्रिकेट करते हैं उस टेक्नोलॉजी से चाइना कम्पीट नहीं कर पाया और बहुत पीछे रह गया। अल्ट्रा प्योर वाटर माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए कितना जरूरी है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2021 में ताइवान के अंदर पानी की बहुत कमी हो गई थी, सूखा हो गया था, और इस कारण से पूरे दुनिया के अंदर माइक्रोचिप्स का शॉर्टेज हो गया था और इलेक्ट्रॉनिक के जो रेट थे वो बढ़ने लगे थे। ताइवान का जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनका ये जो स्किल है, इसी के कारण यूएसए ताइवान की हेल्प करता है और ताइवान के ऊपर यूएसए डिपेंडेंट होता है। लेकिन 2021 में जब चिप्स की शॉर्टेज होने लगी थी तब से यूएसए ने भी अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सके। अब चाइना का जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट था वो फेल क्यों हुआ, इसके साथ साथ चाइना कैसे इंडिया के टेरिटरी के जो ग्लेशियर्स हैं उसके पानी को यूज करके चिप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, और कैसे चाइना ये चाहता है कि इंडिया अपने साइड में यानी कि लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप करे, वहाँ पर डेवलपमेंट ना हो ताकि ये जो पानी है ग्लेशियर्स में जो मौजूद पानी है उसका इस्तेमाल भारत ना कर ले। अब चाइना ने जो इतने सारे पैसे खर्च किए थे माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए और उसका जो सुपर पावर बनने का प्लान था ये एक्सपोज हो गया यूएसए के सामने। यूएसए को चाइना के इस प्लान की भनक तब लगी जब 2016 में यूएसए का $4.4 बिलियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में एक फेलियर आता है, और दो दिन बाद रॉयल ब्रिटिश आर्मी के $1.2 बिलियन की हाईटेक डिस्ट्रॉयर में भी सेम प्रॉब्लम आता है। छानबीन में पता चलता है कि जो चिप्स इन दोनों में लगे हुए थे दोनों के दोनों सेम चाइनीज ब्रांड से मैन्युफैक्चर्ड थे, और फिर चाइना का ये जो प्लान है वो यूएसए के सामने एक्सपोज हो जाता है, और इसीलिए यूएसए ने चाइना के जो मेजर कंपनीज थे जैसे कि वावई, जेटी, उनको बैन कर दिया था और दूसरे कंट्रीज को चाइना को इक्विपमेंट्स बेचने से मना कर दिया था, और इसी के कारण उनका जो प्रोजेक्ट था वो फेल हुआ। अब चाइना ने इस फ्रेश वाटर का जो जुगाड़ है वो निकाला इंडिया के ग्लेशियर से और साथ ही साथ जो सक्षगाम वैली है वहां के ग्लेशियर से। चाइना ने अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडियन बॉर्डर से कुछ 100 किलोमीटर दूर काशगर सिंजियान में एस्टैब्लिश किया,
जिस कंपनी ने यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश किया वो था चाइना का GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग्स। अब माइक्रोचिप्स बनाने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहला सैंड और दूसरा अल्ट्रा फ्रेश वाटर। अब चाइना ने 1963 में सक्सगम वैली के लिए पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, और ये जो सक्सगम वैली है इसमें टोटल 163 ग्लेशियर्स मौजूद है, और इसी वैली के बगल में है तकलामकन डेजर्ट, जहां से कि चाइना को बहुत सारे अमाउंट में सैंड आसानी से मिल जाएगा। तो चाइना का जो फ्रेश वाटर चाहिए वो इस वैली से मिल गया, और जो सैंड चाहिए वो इस डेजर्ट से मिल गया, और यहां से फ्रेश वाटर और सैंड लेकर वो यहां से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे जो कसगर है वहां पे माइक्रोचिप फैब्रिकेशन कर रहा है। अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर POK के बहुत सारे रीजन में बहुत सारे रिवर्स के ऊपर डैम बनाया हुआ है और रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं, और यहां से भी चाइना को फ्रेश वाटर मिल जाता है। अब चाइना यहां से फ्रेश वाटर लेता है और CPEC रोड के जरिए कसगर तक पहुंचाता है। आप CPEC का मैप देखोगे तो वो सीधा पाकिस्तान से कसगर जाता है। 1960 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया था, और इस ट्रीटी के हिसाब से जो 6 नदियां जो कि इंडिया से होकर पाकिस्तान तक जाती है उनका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान को मिलेगा, और जो 20% पानी है वही सिर्फ हिंदुस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान के लिए ये दरिया दिले जवाहरलाल नेहरू ने क्यों दिखाया था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तरफ हम लोग 80% पानी पाकिस्तान को दे रहे थे जिससे पाकिस्तान हरा भरा रह रहा था, वो उस पानी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहा था, और दूसरी साइड पाकिस्तान हमारे में बार बार टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा था। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके ऊपर कई बार सवाल भी उठे हैं। गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट हमारे कंट्री में भेज रहा है हमें इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वापस से सोचना चाहिए। पाकिस्तान एक तरफ से हमारे कंट्री से पानी लेता है और दूसरे साइड हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, और साथ में चाइना के साथ मिलकर अलग अलग प्लानिंग करता है। चाइना के साथ मिलकर वो हर एक प्रयास करता है जिससे कि हमारा देश डिस्टेबिलाइज हो जाए, हमारा जो देश है वो बर्बाद हो जाए। हो सकता है आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन UK के अंदर और ये जो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी होती है, ये जो वॉयलेंस होता है, इसके पीछे चाइना का भी हाथ होता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये काम करते हैं ताकि इस रीजन के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो सके, और दूसरी साइड से चाइना इंट्रूजन करके इंडिया के जो ग्लेशियर्स है उसको अपने कंट्रोल में ले ले और उस पानी का इस्तेमाल वो अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए करे। या फिर अगर वो इन ग्लेशियर्स को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता है तो ये ग्लेशियर जैसे जैसे धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये जो पानी है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, और क्योंकि इंडिया इस पानी का इस्तेमाल कर नहीं पा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो पानी है उसको चाइना इस्तेमाल कर रहा है अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने देखा होगा कि जो चाइनीज आर्मी है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो हमारे जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे अक्सर दिखाई पड़ते हैं, हमारे जो आर्मी है उनके साथ स्टैंड अप होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर कंट्रोल बना लें, वहाँ से जो फ्रेश वाटर है वो उसको निकाल ले। चाइनीज आर्मी सिर्फ हमारे जमीन के लिए नहीं आते हैं बल्कि उनको पानी भी चाहिए। तो चाइना किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहता है कि लद्दाख के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिसके कारण जो हमारा मिलिट्री है उसकी मोबिलिटी हो, हमारा जो मिलिट्री है वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, और जो पानी मौजूद है ग्लेशियर्स में उस पानी का इस्तेमाल इंडिया कर सके, और इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर शांति हो, क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर शांति होगी तो इंडिया आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा। और जाने अनजाने में हो सकता है कि सोनम वांगचुक को ये ना पता हो कि आखिर चाइना का जो प्लान है वो आखिर है क्या, ये जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन वाला प्लानिंग चाइना कर रहा है इसके बारे में हो सकता है सोनम वांगचुक को ना पता हो, क्योंकि अगर हमारी आर्मी लद्दाख के अंदर ठीक से मोबिलाइज नहीं हो पाएगी तो इवेंचुअली ये चाइना की ही हेल्प करेगा और फिर हमारे कंट्री के ऊपर ही खतरा मंडराएगा। सोनम वांगचुक की जो डिमांड है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है वो एकदम जायज़ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ज़्यादा डेवलप होने लगा तो जो माइनिंग कंपनीज़ है वो आने लगेंगी, वो माइनिंग करने लगेंगी तो जो वहाँ का इकोलॉजी है वो बर्बाद होने लगेगा। लिथियम की माइनिंग हो सकती है जिसका इस्तेमाल बैटरीज के लिए किया जाएगा लेकिन वो लद्दाख के लिए बेहद ख़राब होगा। और आप यकीन करो हमारी जो गवर्नमेंट है वो TSMC के साथ बात कर रही है ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है इसके लिए, क्योंकि ये जो TSMC कंपनी है ये दुनिया का लीडिंग कंपनी है, इनके पास ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही सालों में हमारे कंट्री लद्दाख के अंदर माइक्रोचिप फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगी जहां से कि पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, बट उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, और इसके ऊपर अभी फिलहाल काम चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रही है ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके। कुछ लोग जो सिर्फ खुद को सबसे ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं और बाकी दुनिया को गवार समझते हैं उनको हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो कंट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारा देश कैसे डेवलप होगा, हमारे कंट्री के पास कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ अपना एजेंडा फैलाना है जिसके लिए उनको पैसे मिल जाते हैं। ये लोग अपने देश में अच्छे से सब कुछ एंजॉय करते हैं और हमारे देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें क्योंकि ये अपना एजेंडा फैलाने के लिए हमारे देश को किसी भी हद तक डैमेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सोनम वांगचुक की और लद्दाख के डिमांड की तो ऑब्वियसली उनका जो डिमांड है वो फुलफिल करना चाहिए ताकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज प्रिजर्व रह सके, साथ में हमारा कंट्री भी पैरेलल में इन अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करे, इसको इस्तेमाल करे बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर नेचर है तभी हम लोग हैं।
अब जहां तक बात है स्टेटहुड देने की, तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि अगर लद्दाख को एक पूरा स्टेटहुड दे दिया गया तो फिर जो बाकी के लोग हैं वो भी डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि पावर डिवाइड होने से जो प्रोसेस होता है वो लेंदी हो जाता है, और प्रोसेस लेंदी होने के कारण कभी कभी बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं होते हैं। हमारी आर्मी को कंस्ट्रक्शन करने में मुश्किल होगा, मोबिलिटी करने में मुश्किल होगा, अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली रन करने में मुश्किल होगा, और इसके कारण हमारी कंट्री सफर कर सकती है, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी नहीं है। लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि हमारे देश के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अब इन सभी चीज़ों को बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो अपने मैनिफेस्टो में आखिर इंक्लूड क्या कर रहे हैं, क्या वो उसे फुलफिल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्शन के समय वोट लेने का समय आया तो उन्होंने मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर दिया, जब उस चीज़ को फुलफिल करने का समय आया तब उन्हें ध्यान आया कि ये सब चीज़ें तो आसानी से हो ही नहीं पाएंगी। इसका सोल्यूशन यही है कि लद्दाख के लोगों के साथ गवर्नमेंट डायरेक्टली बात करे, वन टू वन बात करे, और एक बीच का सोल्यूशन निकाला जाए, एक विन विन सिचुएशन निकाला जाए, क्योंकि लद्दाख के ही लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से हमारे कंट्री को चाइना से बचाया हुआ है और साथ ही साथ खुद को भी बचाया हुआ है। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, नॉलेज मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।